बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन 6 चैप्टर 17 रिक्वायरमेंट है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। इसमें साल के शुरू वाला भी डाटा दिया है, लेकिन इसमें उन्होंने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं कही, तो हम नहीं बनाएंगे ये डाटा जो है, हम इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ करेंगे। तो आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए मॉडल टाउन लाइब्रेरी, मॉडल टाउन लाइब्रेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। चलिए जी, सबसे पहले है एंट्रेंस फीस। एडजस्टमेंट पे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबर्स फी। एंट्रेंस फीस और लाइफ मेंबर्स फी ये क्या हो गई, कैपिटलाइज हो जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी, इसको छोड़ दें। आगे लिखते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में 10,000 आ रहा है, और एडजस्टमेंट में भी कुछ दिया हुआ है नीचे, उसको देखते हैं, इसलिए इसको अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे। सब्सक्रिप्शंस रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर पास ₹1,000, साल के शुरू में 1,000 थी और साल के आखिर में 500 रिसीवेबल है। अब जो साल के शुरू वाली है वो यकीनन इधर रिसीव हो गई होगी, और इसी वजह से क्या है, साल के हम क्या करते हैं, साल के एंड में चेक करते हैं कि किस किस से सब्सक्रिप्शन लेनी है। तो ये जो है पिछले साल के शुरू में थी और ये इस साल के शुरू में है, तो हम क्या करेंगे, जो पिछले साल वाली है वो माइनस कर देंगे, लिखेंगे लेस लास्ट ईयर, और जो इस साल के एंड में रिसीव होने वाली है वो इस इनकम में जमा कर देंगे। ये रिसीव नहीं हुई, ये जो 500 है इस साल के एंड वाली, तो हम इसको माइनस करेंगे 1,000, ये आ गया 9, और इसमें ऐड कर देंगे करंट ईयर या आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर या आउटस्टैंडिंग का लफ्ज़ यूज़ करें, तो ये हो जाएगा 9,500। इसके बाद है लाइफ मेंबर, ये हो गया। डोनेशंस लिखिए, डोनेशंस ये 1,000। इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100, रिसीट्स फ्रॉम लेक्चर्स 3,000। पेमेंट साइड पे देखें, यहाँ पे हमने एक डिपॉजिट की है, फिक्स्ड डिपॉजिट। जो फिक्स्ड डिपॉजिट होती है उसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, तो ये 10% रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है। अब हम चेक करेंगे कि इसके ऊपर कितनी इंटरेस्ट बनती है। पहले चेक करेंगे कि यहाँ पे आ रही है या नहीं, नहीं आ रही, फिर हम देखेंगे कि कितनी इसमें आनी चाहिए। अगर आ रही होती तो फिर हम इसको फिर चेक करते कि ठीक आ रही है, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट में भी उसने बता दिया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वाज नॉट येट रिसीव्ड, यानी ये जो फिक्स डिपॉजिट है इसके ऊपर इंटरेस्ट वसूल नहीं हुई, यानी उसने बता दिया है। लेकिन अगर ना भी बताता तब भी हमने ये 10% इंटरेस्ट लेनी थी जितना टाइम हमने इन्वेस्टमेंट की। तो हमारी इन्वेस्टमेंट है 10,000 फिक्स डिपॉजिट,
इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट है, और हमें ये डिपॉज़िट किए हुए कितना अर्सा हो गया, 1 जुलाई से हमने किए और हमारा साल क्लोज़ हो रहा है 31 दिसंबर तक, तो ये 6 माह बनते हैं, तो इसको कर देंगे 6/12, तो ये हो गया 6000 और ये आ जाएगा 500। तो हम इधर लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट FD 500। ये आपके एडजस्टमेंट में जो लिखा था इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वाज नॉट ईयर रिसीव, ये करंट ईयर की रिसीट थी लेकिन मिली नहीं, तो हम इसको करंट ईयर की इनकम में ही लिखेंगे। अब हम आते हैं इधर पेमेंट साइड पे। सबसे पहले है रेंट एंड टैक्सेस, ये है 1000। इसको मैं अंदर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे हमें ये नज़र आ रहा है, रेंट वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ, बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी 500 रुपये साल के शुरू में भी पेबल था और साल के आखिर में वाला है। तो जो साल के शुरू वाला वो तो यकीनन पे हो गया होगा, क्योंकि ये भी हम साल के एंड में चेक करते हैं कि हमने कितना रेंट पे करना है। तो साल के एंड में 500 है, तो ये तो करंट ईयर का हो गया, और जो साल के शुरू वाला ये पिछले साल का हो गया। तो हम इधर एंट्री करेंगे लेस लास्ट ईयर 500 और प्लस करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंड 500, तो जवाब वही आ जाएगा 1000 में। इसके बाद है वेजेस 500, इसके बाद लाइटिंग चार्जेस 250, लेक्चर फी 1000, बुक्स जो है ये आपका एसेट होता है, लाइब्रेरी है, बुक्स ख़रीदती हैं, वैसे भी बुक्स जो हैं लंबे अरसे तक चलती हैं, ये एसेट ही कंसिडर की जाती हैं। आगे ऑफिस एक्सपेंसेस 2000, फिक्स डिपॉजिट ये आपका एसेट है और जो इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगी वो इनकम है, जो हम पहले ही लिख चुके हैं। आगे डेप्रिसिएशन दी हुई है नीचे, डेप्रिसिएट फर्नीचर 300 ऑन बुक्स 100, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चेक करते हैं डेफिसिट है या सरप्लस है। इधर एक 9000 की फिगर है, तो एक 3, 4, 12, 13000, इधर छोटी फिगरें हैं, तो ये साइड ज़्यादा है। 95 प्लस इधर आ रहा है 141,000, इसमें से ये माइनस कर दें, ये आ रहा है 8950, इसको हम कहेंगे सरप्लस 141,000। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2017, इसको हम रब कर देते हैं। चलेंगे
सबसे पहले करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड है 50, कैश एट बैंक है 800। इसी तरह यहाँ पे साल के एंड में जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है वो हमारा एसेट, लिखें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये कितनी थी 500। इसी तरह इंटरेस्ट जो फिक्स डिपॉजिट के ऊपर थी ये भी रिसीवेबल, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये आया था 500। इस तरह यहाँ एक और इंटरेस्ट ये हो गया इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट रिसीवेबल, सब्सक्रिप्शन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट ये भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं फिक्स एसेट की तरफ। एक हमारे पास इन्वेस्टमेंट है साल के शुरू में 1000, इसके बाद ये एक फिक्स डिपॉजिट है हमारी, फिक्स डिपॉजिट इसके साथ ये इंटरेस्ट रेट लिखते हैं 10% फिक्स डिपॉजिट, ये 10,000। इसी तरह आगे हमारे दूसरे एसेट शुरू हो जाएंगे, बुक्स हैं, बुक्स एक तो ये साल के शुरू वाली 4000 प्लस परचेस्ड, ये हमने 1500 की परचेज़ की तो ये आ गया 5500, इसमें से माइनस कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बुक्स के ऊपर है 100 रुपये तो ये आ जाएगा 5400। इसी तरह आपका फर्नीचर है, फर्नीचर साल के शुरू में था 1000 का, फिर हमने 2000 का और ख़रीदा ये लिखा है प्लस परचेज्ड 2000 तो ये हो गया 3000, इसमें से लेस कर दें डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 300 तो ये आ गया 2700। इसमें और कोई चीज़ देख लें कुछ रह गया हो, अब हम इसका बैलेंस कर लेते हैं। अब 5800 प्लस 1000 ये आ गया जी 20950। अब हम इधर आते हैं, सबसे पहले हम लाइबिलिटीज लिख लेते हैं, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग ये है 500 जी। अब हमें आगे चाहिए कैपिटल फंड, कैपिटल फंड, कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो इसका हमने फार्मूला पढ़ा था, कैपिटल फंड इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज, ये बैलेंस शीट की फॉर्म ही है, यानी फार्मूला वही है, यानी ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज, या अकाउंटिंग क्वेश्चन समझ लें कि जिसमें हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इज इक्वल टू इक्विटीज, तो उसमें तीन चीज़ें गिवन हो, दो चीज़ें गिवन हो तो तीसरी मालूम कर सकती हैं, तो एसेट्स हमें उसने बताए हुए हैं सवाल में, ओपनिंग एसेट्स उसने लिखा हुआ है 4000 है, बुक्स, बुक्स 4000। इसी तरह आगे है फर्नीचर 1000, फर्नीचर 1000, इन्वेस्टमेंट 1000। इसी तरह यहाँ नीचे देखें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल साल के शुरू में, ये भी आपका एसेट होती है, इधर लिख लें सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्या था, ये था 1000, सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग 1000 ये हो गया। इसी तरह ये आपका रिसीट एंड पेमेंट काउंट है, साल के शुरू में कितना था कैश, ये था 500, ये आपके ओपनिंग एसेट्स हो गए। और ओपनिंग लाइबिलिटी देख लें, ये उसने बताया हुआ है रेंट वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 6 मंथ
500 बोथ एट द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के शुरू में भी कितना था ये रेंट आउटस्टैंडिंग 500, तो इधर लिखिए रेंट आउटस्टैंडिंग 500, ये समझ लेके बैलेंस शीट ही बन रही है। यानी इसको अगर हम ऐसे कर दें, ये लाइन लगा दें इधर से, तो ये एसेट्स हो गए आपके, तो एसेट्स में से ये जो लाइबिलिटीज़ माइनस कर दें तो पीछे क्या बच जाएगा, कैपिटल फंड। बात एक ही है, या आप बैलेंस शीट इस तरह फॉर्मेट बना लें, इधर लिखें एसेट्स, इधर लिख दें लाइबिलिटीज़, ये लफ्ज़ ना लिखें ओपनिंग एसेट, बस साल के शुरू वाले उठा लें, या अगर आपने नहीं इस तरह फॉर्मेट बनाना तो आप इसी तरह लिख दें ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लाइबिलिटीज़, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। दोनों सिचुएशन है आपके पास, जो आपको सूटेबल हो। क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो तो कैपिटल फंड है, कि कैपिटल फंड हमें मालूम होना चाहिए, चाहे आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के निकालें या ये फार्मूला लगा के। इसको देखिए, ये है 4 और एक 5, 6, 7, 7500 बनता है ये 7500। अब जो लाइबिलिटीज़ हैं वो आपकी 500 हैं, तो पीछे जो बच जाएगा वो कैपिटल फंड 7000। यानी ये हमने इनमें से ये निकाल के ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है, बैलेंसिंग फिगर यानी बैलेंस जो बच गया वो आपका कैपिटल फंड। इधर आ जाए, इधर यहाँ पे एक नोट दे दें या वर्किंग दे दें, वर्किंग वन, और इसके साथ लिख दें वर्किंग वन, तो उसको पता चल जाएगा कि ये कैसे निकला है, ये चीज़ उसके सामने आ जाएगी एग्जामिनर। अच्छा, अभी ये आप 7000 इधर लिखें, इसमें ऐड कर दें सरप्लस जो हमें इस साल हुआ है, ये है 8950, इधर लिखिए सरप्लस 8950। इसके अलावा उसने क्या लिखा है, कैपिटलाइज एंट्रेंस फीस एंड लाइफ मेंबर्स फीस। एंट्रेंस फीस है 1500, ये भी इसी में ऐड करें, एंट्रेंस फी 1500, इसी तरह लाइफ मेंबरशिप फ़ी जो है वो भी फी ये 3000। यहाँ गया 20450, दोनों को जमा कर लें तो ये आ जाएगा 20950। इसको कहेंगे टोटल लाइबिलिटीज़ और इसको कहेंगे टोटल एसेट्स, ये दोनों साइडें आपकी बराबर होगी। कोई चीज़ समझ ना आई हो क्वेश्चन में तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।